शाह जो है आज का मैच नहीं खेल रहे थे अनफॉर्चुनेटली, दो मैचेस में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और पांच विकेट भी रही, और तो कितनी कमी महसूस हुई आज के मैच में, और जो आपने प्लान बनाया था फिलिप्स के खिलाफ अगर वो होते तो क्या वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता? देखिए मेरे ख्याल में जिस तरीके से आज वो खेला है तो कोई भी होता तो वो मुश्किल होता, लेकिन ये है कि देखें नसीम शाह बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, और जिस तरीके से उसने अभी मेरे ख्याल में 4-5 ही वनडे खेले और मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा आउट किए हैं 4-5 वनडे में, तो और वो एक बहुत टैलेंटेड बॉलर है। मिस तो हम लोग शाहिद को भी बहुत करते हैं, लेकिन और माशाल्लाह जिस तरीके से नसीम शाह ने टीम में अपनी जगह बनाई है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बदकिस्मती से उसको बुखार भी था और फ्लू भी था तो इस वजह से खेले नहीं, वरना अगर वो होते तो यकीन करें वो तो इस तरीके से उन्होंने पहले दो मैच में बॉलिंग की तो हमें उम्मीद थी कि वो इसमें भी ऐसी करते। सवाल कप्तान से पूछना था लेकिन कप्तान नहीं आ रहे तो चले आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, बता सकते हैं पाकिस्तान के किसी फास्ट बॉलर ने 10 ओवर मुकम्मल नहीं करवाए, तो इससे ऐसा लग रहा है कि जब पता था कि हमारे पेसर इस विकेट पे अच्छा बॉल नहीं कर पाएंगे तो हम तैयब इकराम को खिला लेते हैं तो आपका एक बैट्समैन का इजाफा हो जाता, जब मैच आपके हाथ से स्लिप हो रहा था आप कह रहे हैं कि वो अच्छा खेले, इसका मतलब है कि हमारे मतलब फिलिप्स बॉलर ने बुरा बॉल किया तभी उसने अच्छा खेला, तो आप सब उस टाइम ड्रेसिंग रूम में क्या बातें हो रही थी जब मैच हाथ से निकल रहा था आप बॉलर आपके 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे थे? देखें क्रिकेट में तो सिचुएशन वाइज ही क्रिकेट खेली जाती है, अगर आप देखें तो उन लोगों ने भी मेरे ख्याल में पिछले दो मैचेस में साउथी ने भी 10 ओवर नहीं किए क्योंकि वो पार्ट टाइम फिलिप्स ने बॉलिंग कर दी, तो जिस तरीके से विकेट खेल रहा था तो इस पर स्पिन ज़्यादा मतलब अच्छा बॉल कर रहे थे, स्पिनर को सपोर्ट ज़्यादा मिल रही थी, तो मेन रीज़न वही है। और अगर आप देखें तो जैसे आगा सलमान हमारा मेन बॉलर नहीं है, उसने आज 10 ओवर किए तो वो फिर उसको कवर कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह कोई बात नहीं है कि फास्ट बॉलर से हमने पूरे ओवर नहीं कराए क्योंकि वो बुरी बॉल कर रहे थे, मेरे ख्याल में आगा सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की तो उसने उनको कवर अप किया, और हमेशा कप्तान का भी यही प्लान होता है कि जो हमारा पार्ट टाइमर है उससे हम 4-5 ओवर निकाले ताकि जो मेन बॉलर है अगर उसमें कोई एक भी उसका दिल ना हो तो उसके ओवर निकल जाए। देखिए हम लोग तो यही सोच रहे थे कि पहले तो जब विलियमसन खेल रहा था तो हमने बोला कि अगर ये आउट हो जाए तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा, फिर बाद में बस जब फिलिप्स ने बैटिंग शुरू की तो इतना हमें पता था कि टैलेंडर के लिए ये विकेट आसान नहीं होगा, और इस तरीके से हमारी फास्ट बॉलिंग है मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड में अभी भी हमारी फास्ट बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट है, और वो खेलने नहीं देते उनके टैलेंडर्स को, लेकिन वही कि फिलिप्स आखिर तक खेल गया और उसने मैच को फिनिश किया। थैंक यू। फखर फील्डिंग में कुछ फंबल हो रहे हैं पूरी सीरीज में, देखा आज के मैच में भी हुए, और एक कैच इंपॉर्टेंट फिलिप्स का छूटा ऑल तो 50 कर चुके थे, अगर वो कैच हो जाता तो मजीद कोई ट्विस्ट आ जाता और फील्डिंग के फंबल के ऊपर बात की। देखिए बिल्कुल अगर फिलिप्स जिस तरीके से खेल रहा था तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि बस ये किसी तरीके से आउट हो जाए, और टैलेंटर्स के लिए इतना आसान नहीं होता, और आपने देखा भी कि जो जो भी टैलेंटर आए हैं तो उनको इतना आसान नहीं हो रहा था, और बाकी फील्डिंग देखिए अगर मैं फील्ड में हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करता हूँ और हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप लोगों को तो बस ये सिर्फ दिखता है कि हम लोग मैच में खेलते हैं, इससे मतलब मैच से पहले या प्रैक्टिस वगैरह में हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपने फील्डिंग में भी बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन मैच में इस तरह हो जाता है और बस कोशिश यही करेंगे कि आइंदा ना हो। आदित्य को बॉल लगी थी हेलमेट पे, काफ़ी परेशान उनकी क्या पोजीशन था? देखिए उनको डॉक्टर ने चेक किया तो उनको थोड़ा सा पेन था सर पे तो इस वजह से वो अंदर नहीं गए, और लेकिन मेरी जो उनसे बात हुई है तो वो कह रहे थे कि मैं मतलब ठीक हूँ, लेकिन ये कि हल्का हल्का सा वो कह रहे सर भारी हो रहा है। अच्छा फखर आपने अभी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि फिलिप्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो क्या उनके खिलाफ गेम प्लान था? थोड़ी सी पैनिक नजर आई जब उन्होंने आके एक दो शॉट लगाए, तो क्या गेम प्लान था उसके खिलाफ और एक दो गलतियाँ जो आप समझते हैं जो मैच में हुई जो मैच का पासा पलट? देखें मेरे ख्याल में हमारे बॉलर ने भी बॉलिंग अच्छी की है और उसने जिस तरह के शॉट्स मारे हैं, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरह इस विकेट पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने भी तकरीबन कोई 30-35 ओवर बैटिंग की इस विकेट पे, तो वो बहुत अच्छा खेला है तो इसलिए मैं एक बार बार उसका नाम ले रहा हूँ कि वो जिस तरीके से खेला है आज तो बहुत कम प्लेयर मैंने देखे होंगे
कि वो इतना अच्छा इस तरह की डबल पेस पेकर पे खेले, तो इसलिए मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ। ये तो देखिए कप्तान और बॉलर का होता है, तो मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, लेकिन जो उसका वीक जोन होता है, तो जब मीटिंग होती है, लेकिन मुझे तो उनके बॉलर्स का पता होता है कि उनके बॉलर का स्विंग क्या होता है, टर्न क्या करते हैं या गुगली कैसे करते हैं, ये कप्तान और बॉलर्स आपस में प्लान करते हैं।